भाईजान रेविंग कैट्स एंड डॉग्स मैं टॉल के अंदर मूवी, घर के बाहर गोटा गोटा पानी है और मैं करोला बाहर खड़ी हुई थी साथी। अभी मैं वो उधर की मेन रोड पे ना लगा आया हूँ धक्के पे, घर वाले गाड़ी लेके जाते हैं और पेट्रोल नहीं है उसमें, पता करेगा पेट्रोल के मसला। वो आज को मैंने बुलाया है क्रूजर पे आए पेट्रोल देखने हैं इसके लिए। अस्सलाम वालेकुम, आज जी रेस्क्यू करने आया हूँ मैं लैंड क्रूजर पे अपने शहरी की क्रूजी जी को, ओहो AE92 को, और रेस्क्यू करते हुए हालत मेरी अपनी ख़राब है, फुल गीला हूँ और बारिश का पानी जो है गोटे गोटे इसी चीज़ के लिए बना हुआ है ये, और शहरी की गाड़ी अब स्टार्ट नहीं हो रही, देखते हैं क्या होता है। ये देखें जी, मैंने अभी हम आए हैं गाड़ी देखने, ये देखें ये स्विमिंग पूल है, ये की को थी अंदर वो देखें जी क्रूजर रेस्क्यू करने आया है। इधर आप देखते रहो गोटे गोटे पानी, वो शहरी बहुत ज्यादा है यार, रहने दे आ जा गाड़ी स्टार्ट है, शहरी में इतना पेट्रोल नहीं लाया। ये देखें जी शहरी गुटे गुटे पानी है, शहरी आ जा, ओए आ जा। ये देखें जी गुटे गुटे पानी, वो देखें स्टार्ट हो गई है। तो जी अभी हम आए हैं रेस्क्यू करने और हालत थोड़ी खराब है, मौसम बहुत अच्छी आज का यार है, आज का ड्रीम एडवेंचर है। ये देखिए जी रेस्क्यू, यार रेस्क्यू के लिए गाड़ी बहुत अच्छी है, बाहर इसके भी टायर के ऊपर तक पानी था, बाहर मैं जब तू मुझे ले बाहर आया ना, मैं गेट के बाहर आया हूँ, यहाँ तक पानी था एग्जैक्ट यहाँ तक, मेरे ये टायर आते अंदर थे फिर भी बचा था। लेट्स रोल, अभी हम रेस्क्यू कर लिए गाड़ी पानी में, बहुत प्यारा मौसम है, सामने जा रही है AE92, हालत खराब है और ठंड लग रही है ज़्यादा। ओहो ड्रिफ्ट करें ड्रिफ्ट, पहुंच चुके हैं पंप पे, दिस इज द पंप, गाड़ी लेके इधर आ गए हम, सामने हमें मिल गया डुओ, डुओ इज हियर, दोनों डुओ इधर पहुंच चुके हैं। सारी मेरी इंद्रजी हो गई है, मौसम इस क्योस मौसम मौसम मौसम, ऊपर करते हैं और बाहर चलते हैं। थे तो बॉयज़ हमने गाड़ी यहाँ पे पंप पे खड़ी कर दी है वहाँ से रेस्क्यू करके, थैंक यू वाच, अगर आज तो और ये क्रूज़र ना होता ना तो ये गाड़ी पकोड़े लग गई थी, जेन्युइन बता रहा हूँ। ये आप देख रहे हो ना 17 पे फुल हाइट पे है, ये साइड पैनल जो है ये पूरा पानी में था, फ्रंट लिप पूरा पानी में था और थोड़ा सा ऊपर मतलब था, अंदर पानी आया है लेकिन बहुत थोड़ा, उस पर पहले मैंने और बड़े भाई ने इसको धक्का लगा के मेन रोड पे कर दी थी क्योंकि घर के बाहर गोडे से भी ऊपर पानी था मेरे, जेन्युइन बता रहा हूँ। सो थैंक यू, आई लव यू ब्रो, जब आपको मैंने कॉल की थी मेरी आवाज़ सुन रहे थे कैसी थी, मरे हुए भाई मेरी पैक हुई हुई थी कि इसको क्या मैं करूँ, पानी से किस तरह निकालूँ, पता नहीं क्या अल्लाह ने बचा लिया और साथ बाद ने ताकि सूखी रहे, लेकिन बारिश सूखने का नाम ही ले रही यार। यहाँ से हमने गाड़ी निकाल ली है, क्रूजर देखो कैसे शहजादा चलता जा रहा है, वो स्लोप मेरे घर की ना फुल ऊपर तक अभी भरी थी तो फिर पानी कम हो गया, यहाँ हम रोक भी नहीं सकते अभी।
में वाटर। कौन सी? कैमरा बंद कर देता। टाइम हो गया तकरीबन 9:25। अब हम क्रूजर पे चेक करके आए मेरे घर के बाहर, जरा पानी अब कम है तो गाड़ी इज सेफ, तो अब हमने जाना है सीधा गाड़ी अंदर लगानी है। पंप पे वैसे मैं छोड़ने लगा था लेकिन फिर हम नाश्ता करने बैठ गए, नाश्ते के बाद टाइम देखा है 9:25, तो मैंने कहा एक दफ़ा देख आते हैं गली में क्या सीन है, वहाँ पानी है बिल्कुल नहीं है, बारिश अभी तक नहीं रुकी, तकरीबन 4 से पहले की बारिश हो रही है और 9:25 हो गए अभी तक बारिश हो ही जा रही है। खैर अब हम गाड़ी अंदर लगाएंगे जाके, क्योंकि मुझे ना ज़रा पंप गाड़ी सेफ तो थी बट दिल के दूर हो जाती ना, तो यार मुझे होता कि यार अभी नहीं खड़ी करनी इधर, मैं इसलिए अब पानी ख़त्म हुआ तो घर के अंदर लगाने जा रहे हैं हम। चलिए जी लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द ब्लॉग। क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? आज जुमे का दिन, फर्स्ट ऑफ ऑल जुमा मुबारक। तो आज का सीन ये है कि हमने ईके भी टेस्ट करनी है प्रॉपर वाली, गाड़ी माउंट शांट उसके सारे बन गए, एक्सल भी बन गए गाड़ी में, वाइब्रेशन वगैरह हर चीज़ ख़त्म। तो आज उसमें हमने फ्रेश मांडा चेक करना है, रात को करेंगे जाके निकालते हैं, देखते हैं क्या सीन बनता है। ये सीन भी आज हमने अपनी ईके निकालनी है रात से, क्योंकि उसको पेंट हुए काफ़ी अर्सा हो गया, मैं कह रहा हूँ कि आज उसको निकालते हैं, ड्राइव स्टेप देखते हैं कैसी है, और अभी हमने इतनी ज़्यादा चलाई भी नहीं थी, हमने वैसी पेंट के लिए खड़ी कर दी थी, देखते हैं क्या सीन पार्ट है उसका, और डिटेलिंग के लिए कहाँ देनी है, कब देनी है, किसको देनी है, क्यों देनी है, वो भी देखते हैं। ये जी फाइनली हम माशाल्लाह ईके को अपनी हम टेस्ट ड्राइव के लिए लेके जा रहे हैं बगैर लाइटों के, ज़रा हम शिफ्टिंग भी चेक कर लें और गाड़ी की ड्राइव वगैरह हर चीज़ देख लें, ब्रेक श्रेक ये वो हर चीज़, नो लाइट फॉर यू। तो बॉयज आज सैटरडे नाइट है, कल ज़्यादा कुछ किया नहीं इसलिए इस व्लॉग को आज कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम गैराज पे आए हैं, ये चेक करो इंडस का काम काफ़ी हद तक आगे पहुंच चुका है,
नई लाइटें लगा दी हैं इसको, लाइनें शाइने चेक कर रहे हैं अभी। अस्तर इसको किया था जिधर जिधर नो डेंटिंग होके अभी किया था, ताकि इसको वो जंग ना पकड़े। इसको अस्तर भी हमने दूसरे वाला किया, ताकि अभी इसकी सारी कटिंग होगी, डेंटिंग शेंटिंग होके फाइनल ब्लेड शेड लग गई है इसके ऊपर। अभी हमने अस्तर लगाया ताकि जंग ना पकड़े। छत भी हमारी ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है, चेक करो इतनी गली भी थी। हम पहले छत काटने का सोच रहे थे, लेकिन काटने से बेहतर है मैंने कहा यार इसी को रिपेयर कर लिया जाए, क्योंकि फिर गाड़ी की पिलर्स में स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। तो ये चेक करो, टोटल जेन्युइन, नो टचिंग। पिलर्स भी हमारे ओके हो गए हैं। मेन हमारे जो मसले थे वही फ्रंट पे थे, ये भी सारी पीस नया बन गया। अभी ग्राइंडर शाइंडर लग के इसको ओके कर देंगे। बाकी लाइनें ओके हो गई गाड़ी की। ये साइड भी सारी फारिग थी, नीचे से गली भी थी, पैनल पीस ये वो दरवाजे गले हुए थे नीचे से। और ये अगले पहले तो वैसे नहीं है, बोनेट का भी काम हो गया है, चेक करो ओके हो गया काफ़ी। अब इसके बाद इंशाल्लाह इसकी उसके बाद पेंट वर्क शुरू होना है। इंशाल्लाह इसकी भी आपको लुक दिखाते हैं। अभी सोच रहे हैं इसका कलर कौन सा करें, ब्लैक में ही करना है या मेटेलिक करेंगे या सादा ही इसका जो जेन्युइन आता है, देखते हैं क्या कहते हैं। अभी टोटल जेन्युइन, नो टचिंग। बैक बम्पर अभी इसका रिपेयर होना है, क्योंकि वो सिर्फ इधर से ही मसला है, और कोई मसला नहीं है। बाकी सारा ये जो चीज़ें हैं यही चल रही हैं। चेक करो अभी लुक, लुकिंग नाइस। इसके साथ आ जाओ अपने ईके पे, ये भी ऑलमोस्ट फिटिंग शिटिंग हर चीज़ फाइनल हो गई है। गाड़ी लुकिंग वेरी नाइस फ्रॉम दी बैक, इसको पता चलता हर चीज़ लग गई है गाड़ी की। अब सिर्फ डिटेलिंग होनी है, फ्रंट से आपको दिखाते हैं। ये नॉर्थ फील्ड पर प्यारी लग रही है वैसे। हेडलाइटें भी इसकी साफ़ करवाई हैं, नया क्रोम हुआ सारा। सिर्फ फ्रंट बम्पर का लिप एक आने वाला है, वो अब हम मैट ब्लैक ही रखेंगे, क्योंकि जो पहले हम लिप लेकर आए थे वो छोटा था, वो साइडों पे पूरा ही नहीं आ रहा था। वो पता नहीं किसी छोटी गाड़ी का दे दिया उसने, वो वापस कराएंगे, इसका जेन्युइन लिप लगवाएंगे। बाकी गाड़ी चेक करो, लुकिंग वेरी नाइस। और नॉर्थ व्हील पे तो और प्यारी लग रही है। लेकिन अभी हमने इसका एक सीन करना है, वो चेक करना कैसी कैसी लगती है। ये देखो अभी अंदर से कितनी गंदगी है माशाल्लाह। सारी डिटेल्स डील होनी है, काफ़ी काम होने वाला है इसके अंदर से, सफाइयों में और भी नहीं खास काम होने वाला। इसके साथ हमारी ईके के 24, ये भी मैकेनिकल वाइज हर चीज़ क्लियर हो गई है। अब सिर्फ इसका रह गया एक दो टेस्ट करने, छोटे मोटे इलेक्ट्रिकल काम है। उसके बाद इसके फिर हमने इंटीरियर पे आ जाना है, और फिर हमने इसकी बॉडी वर्क पर आ जाना है, पेंट वर्क हर चीज़, रिम शिम टायर शायर सारा कुछ। इसकी ब्रांड न्यू लाइट्स हैं, अगली पिछली फुल ओके कर देनी इसको इंशाल्लाह। चेक करो, ये 2-3 GR वाली BMW हो रही है। दानी भैया हैं, आरिफ और दानी भाई यू नो कज़न्स हैं, दोनों मिलके इसको सेट कर रहे हैं, माउंट शाउंट बन रहे हैं अभी इसके। ये भी इंशाल्लाह कुछ दिनों में ऑन रोड हो जाएगी। ये चेक करो हमारी मदनी तियारा, मदनी तियारे के अंदर से हमने एयर निकाल दिया। बैक पे भी स्टॉक शॉक्स डाले कि आगे भी हमने डाले कॉल ओवर्स। हाइट देखो आप, बहुत ही अजीब लग रही है, लेकिन इसको रेस डांस में करेंगे अब हम, क्योंकि हमने इसके साथ अब थोड़ी सी करनी है भगाने वाली सीन्स। चेक कर रहे हो, वेरी नाइस स्टॉक हाइट। अपनी जो ईके है ना उसमें है H22। आज इसको भी हम निकालते हैं, धुलवाते हैं थोड़ा सा, इसका चेक करते हैं क्या सीन पार्ट है। लुकिंग वेरी नाइस इन द इंजन वे, प्यारा लग रहा है, लेकिन डिटेल होने के बाद और प्यारा लगेगा। ये जी फाइनली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इसको हम लेके जा रहे हैं पंप पे। जी पंप पे आए हैं हम लोग, काफ़ी अरसे बाद ही गाड़ी निकली है। आज देखते हैं वॉश वूश के बाद क्या इसकी शक्ल निकलती है। आज सैटरडे नाइट एंजॉय करते हैं इसके साथ। खाली गाड़ी वाइट हो गई है, वेरी नाइस। ये जी सैटरडे नाइट ट्रैक की रेसिंग शुरू होने लगी है, पहले सनरूफ फोर। खाली पैच पे लिया ना, दूर कर दे।
इतना ही था, मैं ज्यादा वीडियोस नहीं बना सका क्योंकि हम लोग एक थोड़ी सी स्लो गाड़ी में थे, बाकी सारे आगे निकल गए थे। अब हम आगे वापस टोटल के पंप पे, यहाँ से अपनी दोनों गाड़ियाँ निकाल रहे हैं। अभी मैं 88 में हूँ, साथ फैसल को हमने कहा है कि वो ईके लेकर आए हमारे साथ साथ, बल्कि मैं उसको पैसे भी देने थे, मुझे याद आया मैं पैसे देता हूँ जाकर। अब होने लगे हम वापसी ऑफ टू होम, और आज हमारा, आज तो नहीं, ये चेक करो जी, 14 अगस्त के सीन्स चेक कर रहे हो। ये 14 अगस्त पे हम भी कोई बड़ा झंडा लगाएंगे इनमें से, शायद हमारे पास जो पड़ा हुआ है वही लगाएंगे। चलो जी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।